नमस्कार, वेलकम बैक माय चैनल प्रियंका की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अंडमान में। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देख ही चुके हो कि मैं अंडमान एक्सप्लोर कर रही हूँ और यहाँ मैं वैकेशन के लिए आई हूँ। उसके साथ साथ मैं स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप पहुँच चुकी हूँ। यही शहीद द्वीप का नाम, जो कि नील आइलैंड से फेमस था, अंडमान के फेमस आइलैंड में एक है, और मोदी जी ने उनका नाम चेंज करके शहीद आइलैंड रख दिया, मतलब शहीद द्वीप रख दिया है। और ये यहाँ का एक फेमस है जो कि नेचुरल ब्रिज है। मैं वहीं आई हुई हूँ और अब सबसे पहले आज मैं विज़िट करूँगी नेचुरल ब्रिज का, और उसके साथ साथ यहाँ का जो सी फिश है वो ट्राई कर रही हूँ। और बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है, ये छोटा सा आइलैंड है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और लिमिटेड चीज़ें यहाँ मिल रही है, लेकिन अच्छा है। हैवलॉक से नील आइलैंड जाने के लिए यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि बाय फेरी यानी कि क्रूज से हम जा सकते हैं। ये हैवलॉक जेटी है और यहीं से नील आइलैंड या फिर पोर्ट ब्लेयर के लिए क्रूज़ मिलती है, और ये जो क्रूज़ है माइक्रूज, इसी से मैं नील आइलैंड को जाऊंगी, जिसका सफ़र एक घंटे में तय करूंगी मैं। अंदर से क्रूज़ कुछ इस तरह सा दिख रहा है। व्यू देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं नीला आइलैंड पहुंच चुकी हूं, और ये पूरा नीला वाटर, मुझे लग रहा है कि अंडमान में सबसे खूबसूरत वाटर यहीं का है। बिल्कुल क्लीन और बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है। छोटा सा आइलैंड लग रहा है मुझे ये, बिल्कुल गांव की तरह लग रहा है। अब चलते हैं अपने होटल में और फ्रेश होके निकलते हैं घूमने। होटल्स के यहाँ पे बहुत से ऑप्शन नहीं हैं, इसलिए एडवांस में मैंने पहले ही होटल कर लिया था बुक। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आप अगर नील आइलैंड प्लान कर रहे हैं तो आपको एडवांस में होटल्स बुकिंग कर लेनी पड़ेगी और गाड़ी की बुकिंग कर लेनी पड़ेगी। अगर आप रेंट पे टू व्हीलर लेते हैं तो उसका रेंट है 800 रुपये। यहाँ बहुत ही लिमिटेड गाड़ियाँ हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा आइलैंड है, तो इसमें यहाँ बहुत लिमिटेड होटल्स भी हैं और बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी। चलते हैं नील आइलैंड के सबसे खूबसूरत जगह, जो कि नेचुरल ब्रिज के नाम से फेमस है, वहाँ। क्या इसमें आपने अदरक गार्लिक पेस्ट, हाँ, मिर्ची पाउडर, हाँ, हल्दी पाउडर, नमक, अच्छा, ये यहाँ पे बन रहा है सी फिश, जो कि यहाँ का लोकल है, और आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो ज़रूर यहाँ पे आके सी फिश ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी होता है। और ये जो है नेचुरल ब्रिज के सामने रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लिमिटेड चीज़ें ही मिलती हैं और ये लोग एकदम फ्रेश फूड आपको बना के सर्व करेंगे। देख सकते हो आप, सामने ही बना रहे हैं, इनका किचन है ये। और ये सर बना रहे हैं अभी वेज पुलाव, और साथ में हम खाएंगे ये फ्राई फिश। ये है यहाँ का सी फिश और ये फ्राई है, मसाला डाल के फ्राई किया हुआ है। चलते हैं अब नेचुरल ब्रिज की तरफ। ये एडवेंचर लवर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन ये सीनियर सिटीजन के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा चलना पड़ता है, और चलने के साथ साथ यहाँ पे जो रास्ते हैं पत्थरों पे होकर के आप ये ब्रिज तक पहुँचते हैं, और ये नेचुरल ब्रिज है जो कि अपने आप में एक अद्भुत है। नेचुरल ब्रिज के बाद हम पहुंच के सनसेट के मज़े लेने के लिए लक्ष्मणपुर बीच, और यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए थे यही सिर्फ सनसेट देखने, और बहुत खूबसूरत सा सनसेट भी हमने देखा।
और ये प्यारा खूबसूरत सा समंदर, और ये फ़ोटो सेशन के लिए कपल्स के लिए बेस्ट जगह है। यहाँ पे आप फ़ोटो शूट करवा सकते हो। सही द्वीप पे जो कि पहले नाम नील आइलैंड था, और यहाँ पे मैं आई हुई हूँ भरतपुर बीच, जो कि अपने वाटर एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। अगर आप नील आइलैंड आते हो यानी शहीद द्वीप आते हो तो यहीं आपको वाटर एक्टिविटी करनी होती है। और यहाँ एक और बीच है जो कि सीतापुर बीच है, वो अपने सनराइज़ के लिए फेमस है, पर वो थोड़ी काफ़ी दूर था तो मैंने वहाँ का सनराइज़ नहीं देखा। मैं भरतपुर बीच आई हूँ यहाँ पर जो वाटर एक्टिविटीज़ होती है वो देखने के लिए, और देखते हैं। नील आइलैंड का पानी बहुत ब्लू है, बहुत क्लीन है और छोटा सा आइलैंड है, तो जब भी आप अंडमान विजिट करें तो यहाँ का भी प्लान आप कर सकते हो। अब शहीद द्वीप से मैं जा रही हूँ पोर्ट ब्लेयर बाय क्रूज, और यहाँ पे क्रूज़ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए। पोर्ट ब्लेयर पहुँचते साथ होटल में चेक इन करने के बाद मैं निकलूँगी रॉस आइलैंड के सैर पे, और लेकिन नील आइलैंड का सफ़र यहीं ख़त्म होता है भरतपुर बीच पे, और यहाँ से बस बाय क्रूज़ पोर्ट इधर पास में ही है, वहाँ से बस निकल रही हूँ पोर्ट ब्लेयर के लिए। फाइनली मैं पोर्ट ब्लेयर पहुंच चुकी हूं, मैंने होटल में चेक इन कर लिया है और मेरा सेम ही होटल है जो कि पोर्ट ब्लेयर में था पहले मेरा। मैं निकल रही हूं रॉस आइलैंड के लिए, जिसको मोदी जी ने नाम दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, और वहां अभी जाएंगे। और वहां का जो लाइट शो है वो बहुत फेमस है, उसके लिए अलग से टिकट करानी पड़ती है, और 4:30 इवनिंग में उसके लिए बोट जाती है, तो मुझे एक घंटा पहले वहां पहुंचना पड़ेगा जहां से ये बोट जाती है। तो फटाफट मैं रेडी हो चुकी हूं ऑलमोस्ट, और मैं निकल रही हूं नेता सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के लिए। तो चलते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि रॉस आइलैंड में क्या है और आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए वहाँ पर। अभी जा रहे हैं रॉस आइलैंड की तरफ, और मरीना पार्क से मिलेगी हमें बोट, और वहाँ से लगभग 20 मिनट्स का वो बोट राइड में होगा, और वहाँ से हम जाएंगे रॉस आइलैंड और वहाँ देखेंगे लाइट शो आज का, और फिर मैं बताऊँगी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ से मुझे फेरी मिलेगी रॉस आइलैंड जाने के लिए, और 15 से 20 मिनट में मैं रॉस आइलैंड पहुँच जाऊँगी। पोर्ट ब्लेयर से मात्र 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। रॉस आइलैंड की जो हिस्ट्री है वो अपने आप में रहस्यमय है, जितना भी इसके बारे में जानो वो कम है। ये जो आप खंडर देख रहे हो, ये ब्रिटिशर्स के ज़माने में यहाँ पर चर्च हुआ करते थे, उनका क्लब हाउस हुआ करता था, उनका बंगला हुआ करता था, वो एंटरटेनमेंट के लिए ये सब जगह यूज़ किया करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध और सुनामी होने से ये जगह पूरी खंडर में बदल गई, लेकिन आज भी ये टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट है, तो लोग यहाँ विजिट करने ज़रूर आते हैं। जब उठकर जाता है तो अपने हाथों पैरों के निशान छोड़ जाता है, अपने दौर का इतिहास लिख जाता है। आप जहाँ बैठे हैं इस वक्त, यहाँ एक बार पॉपिका था और जाते जाते इस चीज की दास्तान लिख गया। अंडमान की पूर्वी दिशा की जाने पड़ा हुआ ये छोटा सा द्वीप सदियों तक घूमना हो रहा, कहीं कोई जिक्र नहीं। सन 672 में एक चीनी बुद्ध भिक्षु के सफरनामे में द्वीपों का जिक्र मिलता है, लेकिन इस अकेले जजीरे का द्वीप का नहीं। सन
सामने 1016 ईस्वी में एक बार फिर इन द्वीपों का जिक्र मिलता है राजा राजेंद्र चोला दी सेकंड उनके दस्तावेज में। रॉस आइलैंड का जो है लाइट शो वो बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे इसकी हिस्ट्री बताई जाती है और रॉस आइलैंड में बहुत ही कम टाइम के लिए लोगों को विजिट करने दिया जाता है और रात के बाद यहाँ पे कोई नहीं आता। रात को ये बहुत ही डरावना दिखता है और या इसकी जो हिस्ट्री है वो हर किसी को जाननी चाहिए और इसलिए आपको रॉस आइलैंड में विज़िट ज़रूर करना चाहिए और ख़ासकर इसका लाइट शो देखना चाहिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के विज़िट के साथ साथ ये मेरा अंडमान टूर यही ख़त्म होता है। इन तक मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए और मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।